अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैसल कासिम शाह टीवी हुनरमंद पाकिस्तान। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स। चलो शुरू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं फैसल कासिम शाह टीवी हुनरमंद पाकिस्तान। तो बाबा रनिंग डे, गुड डे। ये मस्ती हो रही है थोड़ी सी, तो आपको नहीं पता कौन कर रहा है। तो व्यूअर्स, बारिश का मौसम है, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। अभी नमाज़ पढ़ के आए हम लोग। यकीनन आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। और आप देख सकते हैं हमारे कराची शहर में काफ़ी बारिश हुई थी, और जिसकी वजह से काफ़ी जगहें जो है पानी से भर गई थी। और ये आप देख सकते हो पाइप भी मस्ती में है बाबा, ये पानी किस तरह से फेंक रहा है। और पानी तकरीबन कराची के कई आबादियां डूब चुकी हैं पानी की वजह से, और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन देख सकते हैं आप, और ये हम अपने एक एरिया में देख रहे हो आपके जनरेटर पंप हमने लगाया है, तो वो जनरेटर पंप के ज़रिए हम पानी को फेंक रहे हैं दूसरी तरफ, ताकि हमारा जो है ये रास्ता साफ़ हो जाए, पानी से आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। तो इसी तरह से ये हमारे ज़िया साहब हैं, बड़े माशाल्लाह ये टेक्निकल आदमी है। और ये है शाहिद वेल्डर, उस्ताद शाहिद वेल्डर, जो पानी में भी वेल्डिंग कर सकते हैं। तो भाई इस तरह हम जो है आप देख सकते हो पानी निकाल रहे हैं, और बेहतरीन पानी निकल रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त ये एक जनरेटर पंप है। और शाम का वक्त हो चुका है, बारिश माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, और जो नुकसान हुए हैं वो तो आपको पता ही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पानी देखें कितना पानी भर चुका था काफ़ी जगहों में। बिल्कुल साफ पानी है, कोई गटर का पानी नहीं है। बहुत तेज़ बारिश हुई थी और पानी बहुत भर गया कराची और पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में भी, और काफ़ी जगहों में बहुत बारिश हुई है यार। इस दफ़ा तो बहुत बारिश हुई है, रिकॉर्ड की बारिशें हुई हैं। और आप देख सकते हो हमारा पम्प जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, जनरेटर पम्प। इस तरह हमारे घरों में पानी आए तो क्या बात है बाबा, ये तो पानी की हमें कभी कमी ना हो, और 10 मिनट में हमारा पानी भर जाए। अब देख सकते हो पानी की स्पीड कितनी तेज़ी से पानी हमारा जो ये निकल रहा है। ओहो हो, ये हमारा जनरेटर पंप है, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। पानी को भी निकालता है, कचरा भी आ जाए इसमें, कचरे को भी निकाल के बाहर फेंकता है। आप देख सकते हो कितना पानी खड़ा हुआ है, मैक्सिमम ये तकरीबन आधे घंटे में ये पानी खाली कर देगा, जितनी स्पीड से ये पानी को फेंक रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। जी आप देखा आपने कितने ज़बरदस्त तरीके से पानी निकल रहा है ये। हम काफ़ी सारे दोस्त लगे हुए हैं, ये रिजवान भाई भी लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ, ये पू भाई हमारे इब्राहिम ये भी लगे हुए हैं। पानी निकालने की कोशिश पूरी तरह से जारी है, आधे से पौने घंटे में पूरा पानी निकल के बाहर। आप देख सकते हो बहुत ही स्पीड से पानी निकल रहा है। अगर आपके भी किसी एरियाज़ में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पानी खड़ा हो जाए बहुत बुरी तरह से पानी निकले ना, तो पहले तो आप सीवरेज की लाइन देखोगे कि वहाँ से पानी निकल जाए। अगर कोई ऐसी जगह ना हो सीवरेज की, तो आप ये वाटर जनरेटर पंप भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। आपका 15 मिनट में पानी आपके उस एरिया से निकाल के बाहर फेंक सकती है ईजिली। तो मिलेंगे आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो पर। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।